पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा करने के मामले में गिरफ्तार सिद्धार्थ सिंह राजावत व उनके दो अन्य साथियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। इस मामले में दो लोग अज्ञात थे, इनकी पहचान जयभान सिंह व अभिषेक के रूप में हुई है। रविवार को पोस्टर चस्पा होने के बाद से ग्वालियर में सियासी माहौल गर्म है। झांसी रोड थाना प्रभारी रमेश शाख ने बताया कि जीवाजी राव संग्रहालय के बोर्ड पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदगी की पोस्टर चस्पा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो से पहचान कर सिद्धार्थ उर्फ नंदू व उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन व लोगों को अपराध के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद तत्काल सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया था। सोमवार को जिला न्यायालय ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया। इधर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि एसपी को एफआईआर के तत्काल बाद ज्ञापन देकर आग्रह किया गया था कि अगर इस मामले में किसी को जेल भेजा गया तो कांग्रेस आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जमानत मिलने के बाद कानूनी लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। पुलिस ने जो धारा प्रकरण पंजीबद्ध किया था, धारा 188 और 505(1)(c) आईपीसी के तहत ये अपराध प्रथम दृष्टया दर्ज किया था। बाद में इसमें संपत्ति विरूपण अधिनियम की एक धारा के अंतर्गत इजाफा किया था, परंतु जिन धाराओं के अंतर्गत अपराध दर्ज किया उसमें से 188 ये कहकर बताई थी कि कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 20/5 का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उसमें राजनीतिक गतिविधियों का पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का आदेश था जिसका इन्होंने वायलेशन किया है। परंतु जो FIR में इंग्रेडिएंट है राजनीतिक गतिविधि, उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा प्रथम दृष्टया, जो कि उक्त पोस्टर के माध्यम से कहीं भी दर्शित नहीं होता, क्योंकि उस पोस्टर पर ना किसी राजनीतिक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का या किसी भी पार्टी का चिन्ह था और ना ही किसी भी व्यक्ति के नाम के नीचे उसका कोई राजनीतिक पद लिखा था। देखिए, मामला तो स्पष्ट है, आप लोग मीडिया पे देख ही रहे थे। पोस्टर लगाया गया था और उसमें मैंने ऐसा कुछ अनर्गल नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ ये लिखा था हमारे जो जनसेवक हैं जिनको बेचैनी हो रही थी कांग्रेस में और जो जनसेवा करना चाहते थे, तो हमारे जनसेवक जी को चेताने के लिए हमने एक पोस्टर लगाया था और वो इसलिए लगाया था कि कम से कम आप जनसेवा करना चाहते थे तो इस कोरोना के संकट के दौरान जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको अप्रवासी बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, वो अप्रवासी कोई साइबेरियन पक्षी तो है नहीं जो विदेश से आए हों, वो हमारे प्रवासी हैं, उनको अप्रवासी जिनको मजदूर बना दिया गया जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, तो उनकी जनसेवा करने के लिए 1000 बस खड़ी थी प्रियंका जी ने जो भेजी थी। जाके बात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और जनसेवा करते उन बसों में ले जाके और आप उनको मजदूरों को उनके गंतव्य तक उनके गांवों तक पहुंचाते। देखिए, ये सामंतवाद है और ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और भारतीय जनता पार्टी दमन करना जानती है और कोई भी कार्यकर्ता है अगर अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको है ना केस लगाकर और उसका हिटलर शाही अंदाज में उसका दमन कर। आज आपको संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।